एक सेकेंड, हाँ तो आप मंदिर के दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं, ये देखिए। जब भी आप इस गुफा में आते हैं, यू नीड टू डू वन थिंग इज दैट वॉच योर हेड। ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है शिवलिंग, तो आपने देख लिया। हम लोग बाहर निकलेंगे और एक सबसे मैं बोलूँ आश्चर्य करने वाली बात ये है कि यहाँ अभी भी एक गुफा है जिसमें एक संत अभी भी रहते हैं जो Hey guys, welcome back to a new travel vlog. My name is Ajitav Anand and today I'm going to take you to one of the most beautiful place and one of the most spiritual place in Dehradun. अगर आप देहरादून आते हैं तो यहाँ जरूर आइए। इस जगह का नाम है टपकेश्वर महादेव मंदिर। पहले अंदर चलते हैं, उसके बाद इस जगह की जो रोचक कहानी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऊपर से नीचे आने में करीब करीब आपको 60 से 70 ऐसे सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ेंगी। देन यू एक्चुअली रीच दैट प्लेटफॉर्म जहाँ से आप चप्पल और शूज़ खोल करके अंदर भगवान के दर्शन करने जाएंगे। जैसे ही आप व्हेन यू कम डाउन स्टेयर्स तो आपको ये शानदार नज़ारा दिखता है मंदिर का, जो कि आपको ऊपर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि नीचे इतना शानदार नज़ारा होगा। आप देखिए बगल से जो नदी निकल रही है, और एक्चुअली में टपकेश्वर महादेव का मंदिर और जो गुफा है वो इस तरफ है। मैं आपको पहले यहाँ से नदी दिखा देता हूँ, फिर अभी हम अंदर चलेंगे और फिर नीचे चल के बातें करेंगे। इस जगह की शांति को मैं भंग नहीं करना चाहता, द रीज़न वाई आई एम टॉकिंग स्लोली एज वेल। अब मैं गुफा के अंदर जाकर के आपसे बातें नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर की जो शांति है वही इस जगह की विशेषता है। अब बस महादेव के दर्शन करिए, नेचुरल जो शिवलिंग है उनके दर्शन करिए। मैं यहाँ से वीडियो कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप भगवान के दर्शन करिए। चलते हैं गुफा के अंदर। यह शिवलिंग प्राचीन समय में देवेश्वर तपेश्वर दूधेश्वर नाम से जाना जाता था। कलयुग के लगते ही दूध का दुरुपयोग होना तथा तब से दूध का जल में परिवर्तन होना, तब इस निरंतर जल टपकने से टपकेश्वर नाम से जाना जाता है। ग्रेट। और एक सबसे मैं बोलूँ आश्चर्य करने वाली बात यह है कि यहाँ अभी भी एक गुफा है जिसमें एक संत अभी भी रहते हैं, जो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आप गुफा देख रहे हैं इसमें, और ये देखिए, ये है हमारे गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा की यही जन्म स्थली है। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया आपको कि गुरु द्रोण के जो पुत्र थे उनका जन्म इसी गुफा में हुआ था जो आपके सामने है। इनका नाम अश्वत्थामा था। और ये देखिए, दिस प्लेस हैज़ मोर देन वॉट यू कैन एक्सपेक्ट। और आपने देखा अभी एक संत बैठ कर के साधना कर रहे थे, दैट्स वाई इट्स नॉट गुड टू डिस्टर्ब देम। और आप इस जगह से जो नदी का जो आवाज़ है उसको सुन सकते हैं, तो इसी इन्हीं चीज़ों की वजह से इस जगह को इतना पवित्र माना जाता है। मंदिर से निकलने के बाद ये दो रास्ते हैं जिससे आपको एक बहुत ही शानदार जगह पे मैं लेके जाने वाला हूँ। और ये देखिए, ये है वो जगह। हालांकि अभी यहाँ पानी का जो फ्लो है बहुत कम है, लेकिन यही वो जो आपको झरना दिख रहा है इसकी ही आवाज़ जो थी ऊपर, वो इस जगह को इतना ज़्यादा पवित्र बना देती है। वैसे जब आप अगस्त में आएंगे यहाँ पर, अगस्त सितंबर में, तो आप देखेंगे कि पानी का जो है इस प्लेटफॉर्म तक पूरा पानी चढ़ा होता है। एंड दिस प्लेस इज़ लिटरली अमेजिंग। तो गुरु द्रोण के बारे में आप जानते ही होंगे, उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म यहीं पर हुआ था, इसी केव में हुआ था। दूध वाली बात मैंने आपको बता दी, वो वाकई बहुत खास है।
दूध पहले इस पे शिवलिंग पे दूध गिरता था, लेकिन विद टाइम वो पानी में परिवर्तित हो गया। देखिए यही इसका ही आप आवाज़ सुन रहे थे। ये जो गुफा आप देख रहे हैं इसे गुरुद्रोण गुफा भी कहते हैं। गुरुद्रोण जिसे जिन्हें आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते मैं बता दूं, वो गुरुद्रोण हमारे जो पांडव थे उनके गुरु थे। उन्होंने यहाँ पर आकर के एक बहुमूल्य समय बिताया। यहाँ पर जो आप शिवलिंग देखे, आपने जो अंदर शिवलिंग देखा वो नेचुरल शिवलिंग है, मतलब कहा जाता है कि वो प्राकृतिक है और वो उसे उस शिवलिंग को किसी ने बनाया नहीं है, वो बस प्रकृति से सामने बाहर आया है और ऊपर से चट्टान से फुल टाइम मतलब ऑलवेज वहाँ पानी का जो ड्रॉपलेट है वो गिरता रहता है। वही चीज़ इस जगह को बहुत ख़ास बनाती है। लेकिन एक चीज़ और, आज ये पानी गिरता है लेकिन आज से बहुत वर्ष पहले उस वो पानी की जगह पे दूध गिरा करता था, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो सोर्स कहाँ से है। और देखिए जो दूसरा मंदिर है, यानी जो ऊपर आप देख रहे हैं, वहाँ जाने के लिए आपको इस चट्टान के नीचे से झुक के जाना होगा। सो एक सेकेंड, हाँ तो आप मंदिर के दूसरी तरफ पहुँच चुके हैं, ये देखिए। और अगर आप आ नहीं सकते, घुटने में परेशानी है, तो उसके लिए एलिवेटर्स लगे हुए हैं, लिफ्ट लगा हुआ, आप इससे ऊपर जा सकते हैं। ये ब्रिज यूज़ करके हम दूसरे मंदिर में जाएंगे, गुफा वो वैष्णो देवी माता का गुफा और ये संतोषी माता का मंदिर। तो यहाँ से नीचे से आप देखिए कितना शानदार लग रहा है, भव्य लग रहा है मंदिर। देखिए पानी इतना क्लियर है कि आपको मछली दिख जाएगी बहुत सारी। यहाँ देखिए इस पॉइंट पे लोगों ने इसमें अनाज गिरा रखा है, गेहूं है, ताकि वो मछली की फीडिंग के लिए। देखिए वहाँ पे आपको उस पॉइंट पे वो देखिए वहाँ पे सिक्का दिख रहा होगा, वहाँ सिक्का है, वहाँ सिक्का, तो ये एक बहुत ही गलत बात है। आपको पानी में सिक्का फेंकने से बहुत नुकसान है हमारे देश की इकोनॉमी का नुकसान है, क्योंकि वो सिक्का अब यूज़ नहीं होगा। तो जिस चीज़ का जहाँ इस्तेमाल है आप उसको वहीं के लिए रहने दें। सिक्का इस चीज़ के लिए नहीं बना है, उसको आप मार्केट में यूज़ करिए, उसको दान कर दीजिए किसी गरीब को। यहाँ फेंकने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, भगवान तो ले नहीं गए, आपने चढ़ाना वहाँ चढ़ाया, लेकिन ये तो यहाँ डोंट डू दिस यार। अफसोस की बात है कि जिस तरीके से हम लोग स्पीड से जो हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग मंदिर मस्जिद चर्च जाने का जो मेन मकसद है हम उससे पीछे करते जा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हम कोई भी कर्म करें उससे मतलब नहीं है, हम एक बार मंदिर मस्जिद जाते हैं हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। कर्म ज़्यादा ज़रूरी है। और आप विचार करके बताइए हमें कि क्या आप बुरे कर्म करके मंदिर आकर के अपने सारे पाप धो सकते हैं? क्या गंगा में एक डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बस आपके मन की शांति के लिए जगह बनाया गया है, ताकि इन जगहों से आप प्रेरणा लेकर के, हम प्रेरणा लेकर के अच्छे कर्म करें, माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करें, जो आज की पीढ़ी पता नहीं खोती जा रही है। बस इस चीज़ पर विचार ज़रूर करिएगा कि कर्म ज़रूरी है या मंदिर मस्जिद जाना, दोनों ही ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी कौन है? कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में कभी भी मंदिर मस्जिद नहीं जा पाते हैं। तो क्या इससे ये मतलब कह सकते हैं कि वो अथीस्ट हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि भगवान उनकी तरफ कम देखेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जीवन में हो सकता है कभी मंदिर ना जाएं, श्रद्धा से एक बार याद कर लें शिव को, नारायण को, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, वही काफ़ी है। कर्म करिए, बाकी तो ये तो एक टूरिस्ट प्लेस है, तपकेश्वर महादेव एक टूरिस्ट प्लेस है। आप यहाँ आते हैं घूमने के लिए, फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए, मन की शांति करने के लिए आइए तो मज़ा है। इस विचार पे आप भी अपना विचार व्यक्त करिए कमेंट में, अच्छा लगेगा मुझे। बस अजिताभ आनंद साइनिंग ऑफ, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय महादेव।